जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, आज जो खबर आपके सामने लाने जा रहे हैं वह भारत के लिए चिंताजनक और पूरे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदलने वाली साबित हो सकती है। आखिर चीन अपनी नेवी को बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट पर क्यों भेज रहा है और इसका क्या मतलब है भारत के लिए? वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम इस पूरे मुद्दे की तह तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे यह घटनाएं भारत की सुरक्षा और भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। चीन की चालाकी का पहला कदम, कुछ दिन पहले चीन ने श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट पर अपने नेवी शिप्स भेजे थे। ये केवल एक इत्तेफाक नहीं था, श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रो चाइनीज सरकार का आना पहले से ही एक बड़ा संकेत था। लेकिन अब बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चीन के शिप्स बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट पर आ चुके हैं। सोचिए, जब एक देश अपनी नेवी दूसरे देश के पोर्ट पर भेजता है तो उसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? बांग्लादेश में भारत के लिए खतरा, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की इंटरिम सरकार बनने के बाद से एंटी इंडिया भावनाएं जोर पकड़ रही हैं, और इसी बीच चीन का बांग्लादेश में स्वागत किया जाना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं है। जिस तरह से चिटगांव पोर्ट पर चीनी नेवी का स्वागत किया गया, उससे ये साफ हो जाता है कि चीन और बांग्लादेश के संबंध एक नए मोड़ पर पहुंच चुके हैं। चीन की खतरनाक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति, के बारे में आप पहले भी सुन चुके होंगे। ये वही योजना है जिसके तहत चीन भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा और अब बांग्लादेश का चिटगांव पोर्ट, चीन धीरे धीरे पूरे इंडियन ओशन में अपने पांव जमा रहा है, और इसका मकसद भारत को उसके ही पड़ोस में घेरना। सोचिए, जब आपके चारों ओर आपका दुश्मन हो तो बचने का रास्ता क्या बचता है? चिटगांव का रणनीतिक महत्व। अब आते हैं चिटगांव पोर्ट की बात पर। यह कोई साधारण पोर्ट नहीं है, इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। पहले जब शेख हसीना की सरकार थी, भारत को एक भरोसा था कि वह किसी भी चीनी गतिविधि को बांग्लादेश में होने से रोक सकता है। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस के आने के बाद यह भरोसा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। चिटगांव पोर्ट पर चीनी शिप्स का डॉक होना केवल एक शुरुआत है। क्या बांग्लादेश अब चीन की गोद में जा बैठा है? चीन का सॉफ्ट पावर प्लान, चीन केवल मिलिट्री पावर पर निर्भर नहीं है, वह अपनी सॉफ्ट पावर को भी बढ़ा रहा है। चीन मैरिटाइम कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर की बात करता है, जिसका मतलब है कि वह केवल अपना विकास नहीं बल्कि दुनिया का विकास करना चाहता है, या कम से कम ऐसा दिखाना चाहता है। लेकिन क्या सच में चीन का मकसद यह है, या फिर यह केवल एक चाल है ताकि वह अपने विस्तारवादी योजनाओं को आसानी से अंजाम दे सके? भारत की स्थिति अब क्या? अब बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत इस स्थिति से कैसे निपटेगा। भारत के पास दो विकल्प हैं, या तो वह चीन के इस बढ़ते प्रभाव को चुपचाप देखता रहे, या फिर अपनी रणनीति बदलकर मुकाबला करे। क्या भारत अपने पड़ोसियों को चीन की ओर जाने से रोक पाएगा, या फिर यह नई घटनाएं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को हिलाकर रख देंगी? भारत ने बांग्लादेश में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर काफी सतर्क प्रतिक्रिया दी है। चिटगांव पोर्ट पर चीनी नौसेना की उपस्थिति भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है, लेकिन भारत इस मुद्दे को संतुलित और कूटनीतिक तरीके से हल करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया है। बांग्लादेश के साथ भारत का रिश्ता केवल व्यापारिक नहीं बल्कि सुरक्षा, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय स्थिरता से भी जुड़ा है। भारत ने अपनी चिंताओं को बांग्लादेश की सरकार तक पहुंचाया है, साथ ही उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश अपने क्षेत्र का उपयोग किसी भी ऐसे गतिविधि के लिए नहीं करेगा जो क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुंचाए। भारत इस समय अपनी नौसेना और इंडियन ओशन रीजन में उपस्थिति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत के पास पहले से ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सामरिक महत्व के नौसैनिक बेस हैं, जो चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत यह सुनिश्चित करने में लगा है कि उसकी नौसेना हर समय सतर्क रहे, ताकि किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला किया जा सके। चीन की अगली चाल।
चीन की अगली चाल को लेकर कई अनुमान लगाए जा सकते हैं, खासकर जब वह अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत हिंद महासागर क्षेत्र IOR में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। कुछ संभावित कदम जो चीन अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर उठा सकता है, चीन बांग्लादेश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग को और बढ़ा सकता है। वह बांग्लादेश को आधुनिक सैन्य उपकरण और तकनीक प्रदान कर सकता है, जिससे वह अपनी नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं में सुधार कर सके। यह कदम चीन के बांग्लादेश में अपने सामरिक प्रभाव को मजबूत करेगा और भारत को रणनीतिक चुनौती देगा। चीन बांग्लादेश को और अधिक किफायती शर्तों पर हथियार और सैन्य सहायता प्रदान कर सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंध और घनिष्ठ हो सकते हैं। चीन अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश में एक स्थायी नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की कोशिश कर सकता है। अगर यह सफल होता है तो यह न केवल चीन के लिए हिंद महासागर में स्थायी सैन्य उपस्थिति की गारंटी देगा, बल्कि भारत के लिए एक बड़ी सामरिक चुनौती होगी। इसके लिए चीन बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बंदरगाह विस्तार और लॉजिस्टिक सपोर्ट की पेशकश कर सकता है। चीन बांग्लादेश के साथ आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश जारी रखेगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत चीन ने पहले से ही बांग्लादेश में विभिन्न परियोजनाओं में निवेश किया है और यह निवेश बढ़ सकता है। चीन बांग्लादेश के साथ आर्थिक निर्भरता बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। इसके अलावा चीन बांग्लादेश को सस्ते कर्ज और सहायता का प्रस्ताव दे सकता है, जिससे वह अपने प्रभाव को और पुख्ता कर सके। चीन बांग्लादेश में अपने सॉफ्ट पावर का प्रभाव बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति और मीडिया अभियानों का सहारा ले सकता है। वह बांग्लादेश में अपने सांस्कृतिक केंद्रों और चीनी भाषा की पढ़ाई के प्रोग्राम्स को बढ़ावा दे सकता है। चीनी मीडिया आउटलेट्स भी बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर चीन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह की रणनीति से चीन वहां के जनमत को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। चीन बांग्लादेश के अलावा नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपने संबंध और मजबूत करेगा। खासकर वह इन देशों के साथ कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग को बढ़ाकर भारत के चारों ओर एक सामरिक घेरा बनाने की कोशिश करेगा। इससे भारत पर दबाव बढ़ेगा और वह अपने पड़ोसियों के साथ प्रतिस्पर्धा में उलझा रहेगा। चीन भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने की रणनीति अपना सकता है, जैसे कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे विवादित क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियां बढ़ाना या भारत के अन्य पड़ोसियों के साथ व्यापार और सैन्य गठजोड़ करना। इससे भारत के लिए तनाव की स्थिति बनी रहेगी और चीन बांग्लादेश या अन्य दक्षिण एशियाई देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने में आसानी महसूस करेगा। चीन बांग्लादेश जैसे देशों में अपने साइबर और खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने का प्रयास कर सकता है। इसका उद्देश्य वहां की आंतरिक राजनीतिक स्थिति, आर्थिक गतिविधियों और अन्य संवेदनशील सूचनाओं पर नजर रखना हो सकता है। इससे वह न केवल बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत करेगा, बल्कि भारत के रणनीतिक कदमों पर भी नजर रख सकेगा।